रामजस कॉलेज में शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दो छात्र गुटों के बीच शुरू हुई जंग अब नेशनल डिबेट का विषय बन गई है, जिसमें छात्र संगठनों के अलावा अब टीचर्स, कॉलेज प्रशासन और तमाम सियासी दल कूद पड़े हैं। एबीवीपी के खिलाफ कैंपेन चलाने वाली गुरमेहर कौर के समर्थन में आज लेफ्ट विंग ने मार्च निकाला। इसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने नॉर्थ कैंपस को छावनी में तब्दील कर दिया था, लेकिन रामजस कॉलेज में हिंसा और प्रशासन के रवैये से नाराज छात्र संगठन पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहे। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के दिल्ली सचिव सुनन सिंह का कहना है कि एबीवीपी को प्रशासन का पूरा सहयोग है और इसी वजह से वो खुलेआम लोगों को डराते हुए घूम रहे हैं। इस तरह से शिक्षकों के साथ मारपीट की गई, मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट की गई, स्टूडेंट्स के साथ मारपीट किया गया और दोबारा पुलिस की तरफ से एकदम उनको शह दी गई है। उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जबकि वो मुश्किल से 70-80 थे और बड़े आराम से पुलिस उनको वहीं से हटा सकती थी, पर पूरे रास्ते, मार्च के पूरे रास्ते वो ये अपनी गुंडागर्दी करते रहे। और पुलिस जब कार्रवाई की बात आती है तो अंत में जाके जब मॉरिस नगर थाने पे लोग पहुँचते हैं, वहाँ पे एबीपी के ऊपर कार्रवाई करने के बजाय इधर जो स्टूडेंट और टीचर थे उन्हें ही जबरन बस में धकेल के मारपीट करके उनको वहाँ से हटाया गया। और अधिकतर एविडेंस मौजूद हैं कि कहाँ से शुरुआत हुई थी। और इधर से अगर कोई सेल्फ डिफेंस में अगर अपना हाथ चलाए तो उसको पूरा अधिकार है, क्यों नहीं होगा? जब पुलिस अपना काम नहीं कर रही है ढंग से तो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को पूरा अधिकार है कि अगर लंपटगिरी दूसरी तरफ से होती है तो अपने सेल्फ डिफेंस में बिल्कुल इस्तेमाल किया जाएगा। दिल्ली शहर के जो नागरिक हैं उनके तरफ से एक सिटीजन्स मार्च, वो मंडी हाउस से पार्लियामेंट स्ट्रीट तक होगा। ये मार्च किसके खिलाफ होगा? एवीपी की लंपटगिरी, पुलिस का जिस तरह से पुलिस उनको शह दे रही है, जो दोषी हैं इस घटना के, जो कि साफ तौर पर वीडियो पर आइडेंटिफाइड हैं, उनके ऊपर कार्रवाई और जिस तरीके से पुलिस कांस्टेबल ने और एसआई ने उस दिन उनका बिहेवियर था अंत में जाकर, वो बिना आला अधिकारियों के मिलीभगत के संभव नहीं है। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस काम करती है, कोई भी पुलिस भारत में काम करता है, जब तक ऊपरी अधिकारी इसमें शामिल नहीं तब तक ये हो नहीं सकता। अभी इन्होंने 3 कांस्टेबल को सस्पेंड किया, वो साफ तौर पे जो छोटे कांस्टेबल उनके ऊपर सारी गाज गिराने की कोशिश है, तो जो आला अधिकारी हैं उन्हें भी आइडेंटिफाई किया जाए, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। वहीं दूसरी तरफ विवाद बढ़ता देख आज गुरमेहर कौर ने इस मार्च में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। गुरमेहर ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी और कहा था कि मैं मार्च का हिस्सा नहीं बनूंगी, मैं अभियान से अलग हो रही हूं, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। खबरों के मुताबिक गुरमेहर दिल्ली छोड़कर जालंधर चली गई है। वहीं दूसरी तरफ इस लड़ाई के सियासी अखाड़े में पहुंचते ही दिल्ली पुलिस ने भी गुरमेहर की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि एबीवीपी के खिलाफ सोशल मीडिया पर मोर्चा खोलने वाली शहीद की बेटी गुरमेहर को रेप की धमकी मिली थी, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली महिला आयोग से इसकी शिकायत की थी, लेकिन अब गुरमेहर की ये लड़ाई देश की सियासत में एंट्री कर चुकी है, जहां एबीवीपी के बहाने विपक्षी दल मोदी सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक सभी ने गुरमेहर का समर्थन किया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरमेहर के पक्ष में ट्वीट कर लिखा कि भय और उत्पीड़न के खिलाफ हम अपने छात्रों के साथ हैं, गुस्सा, असहिष्णुता, अज्ञानता की हर आवाज के खिलाफ एक गुरमेहर कौर खड़ी होगी। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी मोदी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने लिखा कि ये देश विरोधी नारे भाजपा एबीवीपी वाले खुद ही लगवाते हैं। वहीं अन्य सियासी पार्टियों ने भी एबीवीपी और केंद्र सरकार के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। तो गुरमेहर पर गदर जारी है, तमाम सियासतदान एबीवीपी के बहाने केंद्र सरकार को घेरने में लगे हैं। वहीं केंद्र सरकार इसे अभिव्यक्ति की आजादी का गलत इस्तेमाल बता रही है, लेकिन सच क्या है और क्या है झूठ, इसका पता जांच के बाद ही लग पाएगा। देखते रहिए डीपी लाइव।